ये देखो हट जा भाई लग जाएगी। जो ऑर्डर मंगाया था ना वो मतलब रिप्लेस करके फिर मंगवाया था वापस से, तो उसमें भी देखो यही इशू आ रहा। मतलब मैंने गोप्रो में लगाने वाला मंगाया था, बट ये ना अमेजोन वाले वही भेज रहे मतलब फोन में लगाने वाला। भाई क्या करूँ मैं इस चीज़ का। मैंने देखो पूरे फुहारे ले रखे अपने कंधे पे, पूरा बोझ उठा रखा है। सो हे गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो गाइस आप लोगों ने पिछले वाला वीडियो तो देख ही लिया होगा, अगर पिछले वाला वीडियो नहीं देखा तो आई बटन में आप लोग देख सकते हो पिछले वाला वीडियो भी। तो गाइस अभी आज का मौसम भी देखो एकदम मस्त वाला हो रहा है, चारों तरफ देखो भाई क्लाउडी क्लाउड हो रखे। मतलब धूप वगैरह आज वैसे कुछ नहीं, बस एकदम नॉर्मल मौसम है जैसे सुबह के टाइम पे रहता है ना, ना धूप ना ठंड वैसे, तो वो वाला सीन हो रहा है। ना सूरज निकला हुआ है ठीक से, ना कुछ और हो रहा है, चारों तरफ बादल बादल हो रही है, ठंडी हवाएं चल रही है। तो वैसे भी आज का सीन दिखाते हैं आज क्या काम करने वाले और क्या काम चल रहा है। तो वैसे अभी फिलहाल तो पहले रोड का काम दिखाते हैं क्योंकि वही चल रहा है अभी फिलहाल। तो चलिए गाइस अभी आपको वो वाला सीन दिखाते हैं। तो वैसे कमेंट में बता देना किस किसने कल वोट दिए थे। तो इधर की साइड में तो मिट्टी वगैरह वो भी डाल दी गई है, अभी सुबह ये वाला काम ही करा था, इधर मिट्टी वगैरह डाल दी इन्होंने और अभी इधर वो कल वाला पाइप लगा ही दिया था हमने। अभी चलते हैं नीचे, वहाँ से और दिखाते हैं आपको व्यू। तो गाइस गाड़ी को अभी साइड में पार्क करके रखते हैं क्योंकि इधर अभी ना वो गेट के पास से ना गाड़ी अंदर नहीं जा पाती, तो शाम को तो गेट के पास खड़ी रखते हैं, बाकी इधर खड़ी कर देते हैं। तो गाइस इनका मटेरियल यहाँ से बनाया जा रहा है, देख लो मतलब जेसीबी से बजरी वगैरह है सारा इसी से डाला जा रहा है और ट्रैक्टर से माल लेके जाया जा रहा है। तो कल यहाँ तक बनी थी, इसके ऊपर अभी पीछे की तरफ से मिट्टी भी डाल रखी है, फिर इसके ऊपर ब्लॉक लगाए जाएंगे अभी, तो वहाँ तक हो गई। अभी पीछे से लाया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे मटेरियल मिलाया जा रहा है, तो उस वजह से यहाँ से डाल नहीं सकते, तो अभी नीचे से ला रहे माल डाल के पूरा, फिर बीच में रहेगा तब यहाँ पास से पास में डाल देंगे। तो अभी माल इसमें डाला जा चुका है, अभी देखना ट्रैक्टर आगे से उठेगा। ये देखो हट जा भाई लग जाएगी, मतलब पीछे की तरफ वेट ज़्यादा हो गया है तो ट्रैक्टर उड़ता उड़ता जाएगा अभी, देखना। ये देखो पीछे की तरफ ज़्यादा वेट है ना तो आगे से उठ रहा है, अब इसके आगे कुछ डालना पड़ेगा, इनको रखना पड़ेगा, देखना देखना फिर से उठेगा ये। ये गया गाइस, अभी हम बन रहे इलेक्ट्रिशियन, घर के छोटे मोटे काम होते हैं ना लाइट के वो हम खुद ही कर लेते हैं। तो आज अभी हम लगा रहे हैं बल्ब, इधर जो गाय भैंस बनती है ना उनके लिए लगा रहे हैं, तो ये वाला ज्वाइन करेंगे फिर इसको ना बल्ब को ऊपर टांग देंगे, वहाँ पे ऊपर एंगल है ना उसके पास पर टांग देंगे, वो भी यहाँ पे ज्वाइन किया जा रहा है। मतलब हमारे घर पे जो भी काम करने आते थे ना भैया, उनसे हम देख देख के सारा काम हम ही कर लेते। कल वाला वो क्या बोलते हैं प्लम्बर वाला काम भी हम ही नहीं किया था, पाइप वगैरह ला के सारा सिस्टम, ताकि वायर एक जगह पे पड़ा रहे कहीं हिले डुले नहीं, तब इसको ठोका जाएगा दीवार में, बाकी ये सक्सेस नहीं होगा इधर क्योंकि फिर ज़्यादा है, ये दूसरी जगह ट्राई करेंगे गाइस, इस बार हल्का फुल्का ही अटकाएंगे इसके ऊपर। गाइस पॉसिबल नहीं है ये वायर का लगा, अरे वायर है लगा हुआ है किला डटा हुआ है। ओ भाई यहाँ पे लग गया ये, अब इसको ज़्यादा नहीं दबाएंगे वरना निकल जाएगा। तो गाइस अभी हम चढ़ रहे हैं सीढ़ी पे, अभी हमें थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा आसमान की ऊंचाइयों में, फिर बांधा जा रहा है ताकि वायर नीचे ना झूले, फिर इसके सारे बांधते बांधते वो वाले एंगल उस पर ले जाएंगे इसको, तो भी यहाँ से बांधते फिर वहाँ पे होल्डों को लटका देंगे इन लोग, तो भी हो गया ना एकदम काम फिनिशिंग से, तो ये वाला बांध देते यहाँ पे फिर आगे चलते। तो वैसे भी यहाँ पे पहुँच गए हम लोग इन लोग के पास में, और अभी होल्डर को यहाँ पे लटका दिया है, अभी इसके अंदर बल्ब लगाते हैं और फिर इसको जला के देखते हैं कि अपनी मेहनत काम आई या नहीं आई। बल्ब लगाओ, क्या चालू कर रहा है, बल्ब लगा रहे हैं इसके अंदर एलईडी लाइट, और ये गाइस देख सकते हैं आप लोग ये नहीं चला है क्योंकि ये पता नहीं क्या हो गया इसमें लाइट नहीं आ रही, तो आज अभी इसको चेक किया जाएगा अंदर वाले जो हो ना बल्ब वाले होल्डर उसमें लगा के चेक करेंगे कि ये सही है, यहाँ पे तो भाई नहीं चल रहा, हमने स्विच भी ऑन कर रखा है, तो इसको अंदर लेके चलते हैं वहाँ पे चेक करते हैं बोर्ड में लगा के, दिखा दे सर। तो गाइस अंदर चल रहा है ये वाला, मतलब उधर कुछ खराबी है,
तो अब हम इलेक्ट्रिशियन को फोन करेंगे, हमारे पास की बात नहीं है। So guys, अभी मैं, अंकिता, अंजलि और वो अनु और चीनू सारे लोग अभी हम जा रहे हैं खेत के अंदर फुहारे लगाने। तो गाइज आ जाओ, सभी आ जाओ, भागो। तो अभी चले खेत के अंदर, आपको खेत का सीन भी दिखाते गाइज। अभी और तो कुछ है ही नहीं अभी फिलहाल दिखाने को, तो गाइज अभी हम आपको खेत दिखाने वाले। तो गाइज अभी यहाँ पे चाची, ताई, मम्मी सारे लगे हुए, जो लौंग होती है ना खेजड़ी वाले की, खेजड़ी का पेड़ होता है ना, उसकी टहनियों को काट के फिर इनसे ना ये वाला निकलता है, तो जो ना बकरियों के खाने में काम आता है। तो अभी इनका काम इधर चल रहा है और अभी हम जा रहे हैं खेत के अंदर, आ जाओ। सो गाइस ये हमारा खेत, मतलब कि मेरा खेत, क्योंकि यहाँ का लीडर मैं हूँ गाइस, खेत का मेरे नीचे सारा काम होता है यहाँ पे। तो गाइस अभी चल रहे हैं हम लोग, ये इधर की तरफ मेथी है, देख सकते हो आप लोग, और आगे की तरफ लहसुन, प्याज, ये इधर की तरफ जो है जो। तो आज इधर गाय भैंसों के लिए चारा कर रखा हरा, और वो नीचे वाला खेत है ना वो वाला, उसके अंदर गेहूँ बो रखे। तो अभी ये वाले पाइप वगैरह यहाँ से उठा के हम लोग इस वाले खेत में लगाएंगे। तो ऐसे भी चलते और ये वाला काम करते। सो गाइस ये देख सो जो, मतलब ये ज़्यादा बड़े हो गए थोड़े, क्योंकि इनकी बुआई पहले हो गई थी, तो वो रंजका हो ही गया। रंजका मतलब रंजका बोलते जो हरा घास कर रखा ना इनके लिए चारा। सो गाइस विकास अब आ रहा है काम होने के बाद, मैंने देखो पूरे फुहारे ले रखे अपने कंधे पे, पूरा बोझ उठा रखा है। तो अभी मैं फुहारे लेके आ गया, बाकी का काम ये दोनों तीनों करेंगे पाइप वगैरह का। तुम जाओ पाइप ले आओ, अभी आखिरी चोर बचा है, मतलब ये वाले पाइप और लगाने दो वाले, और बाकी इधर लगा दिए फुहारे, देख सकते हो आप लोग वहाँ तक। तो अभी गाइस अभी खेत का काम तो पूरा कम्प्लीट हो जाएगा अभी, और अभी चलते हैं घर पर वापस। भाई ये जॉर्डन की सूज लाया था दिवाली को, देखो भाई मिट्टी मिट्टी लग गई इनके भी, गंदे हो गए पूरे, अभी इनको वॉश करना पड़ेगा। सुबह से भी जा रहे हैं मार्केट में, एक हमने पार्सल ऑर्डर किया था, तो वो वाला पार्सल लेके आए ने। तो वैसे भी आपको दिखाएंगे हमने क्या वाला, क्या पार्सल ऑर्डर किया था, मतलब क्या प्रोडक्ट मंगवाया है। तो फटाफट से उसको पिकअप करते हैं और फिर दिखाते हैं आपको क्या मंगाया था घर पे आके। भाई मैंने जो ऑर्डर मंगाया था ना, वो मतलब रिप्लेस करके फिर मंगवाया था वापस से, तो उसमें भी देखो यही इशू आ रहा, मतलब मैंने गोपुर में लगाने वाला मंगाया था, बट ये ना अमेजोन वाले वही भेज रहे, मतलब फ़ोन में लगाने वाला। भाई क्या करूँ मैं इस चीज़ का, मतलब तुम करना क्या चाह रहे हो, मतलब वापस से रिप्लेस किया था फिर भी वही प्रोडक्ट भेज रहे हो, हद हो रही है। मतलब भाई मैंने अपना रिफंड मंगवा लिया वापस से, अमेज़ॉन से मंगाना है नहीं है भाई ऑर्डर। अभी मैंने वो अमेज़ॉन वाला पार्सल ना दो बार ऑर्डर कर दिया, मतलब एक फर्स्ट टाइम ऑर्डर किया था तब तो मतलब गोप्रो वाला मंगाया था हमने कि गोप्रो में लगना चाहिए वो, बट ना वो फ़ोन में लगने वाला भेज रहा है सी टाइप वाला, भाई उसका क्या करूँगा मैं। फिर मैंने वापस रिप्लेस डाला, फिर से वो वही प्रोडक्ट आया आज। तो मैंने भाई कंपनी वाला को बोल दिया साहब साहब कि भाई मेरे को मेरे पैसे भेज दो वापस, तुम अपना प्रोडक्ट अपने पास रखो। तो वो 29 तारीख को वापस लेने आएगा, और भाई अभी फिर से दोबारा ऑर्डर करना पड़ेगा, या तो फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करूँगा या फिर देखते क्या सीन बनता है आगे कमाई का। सुबह जब हम आ चुके हैं शॉप के ऊपर, क्योंकि चाचा जी की शादी में, अभी शॉप का काम कंप्लीट करना पड़ेगा हम ही को। तो अभी मैं आ गया हूँ जेंट्स वेयर के अंदर, देख रहे हो कितना सारा अभी सामान पड़ा है ठीक करना। तो ये वाला काम करेंगे पहले तो कंप्लीट, और फिर चलेंगे घर पे। सुबह भी पहले ये वाला काम कंप्लीट कर दे, फिर चलते घर पे, खाना वाना खाते हैं और मिलते हैं आपसे बाद में। ये देखो इसका, देखो कैसे बैठा है भाई, नीचे का हाल तो बहुत ही बुरा है लेडीज़ वेयर में। तभी मैं भाई नीचे नहीं रहता, ऊपर ही रहता हूँ भाई, लड़कियों का सिस्टम पता ही नहीं चलता कैसे क्या हो जाता है कभी, भाई हम लड़कियों से दूर ही रहते हैं, मैं ऊपर वाले फ्लोर पे रहता हूँ, नो टेंशन। ये देखो गले में डाल के बैठा है ये छपरी। सुबह जब हम लोग आ चुके घर पे, अभी खाना वगैरह खा के रेडी हो चुके, अभी शाम के बज गए 10 भाई, मतलब 10 बज गए शॉप से, 9:30 बजे शॉप से आया था, फिर अभी खाना खा के फ्रेश हुआ था, बस 10 बज गए। कल आज की वीडियो करते हैं यहीं पे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।